नमस्कार प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैं आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में खास तौर पर मीडिया डिक्शनरी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं इसको समर्पित करता हूं प्रोफेसर भावना पाठक को और मीडिया दास जी को, जो मेरे बहुत फेवरेट एंकर हैं मीडिया डिक्शनरी के। और आज मैं आपसे पब्लिक रिलेशंस के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। मीडिया डिक्शनरी का उद्देश्य है नए नए शब्द आपके सामने लेकर आना। इसी तरह से मैं आज पीआर पब्लिक रिलेशंस की एक नई परिभाषा जो मैंने बनाई है वो आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस परिभाषा से जरूर इसको एग्री करेंगे और उसको अपनी पूरा सहयोग देंगे। दोस्तों, पब्लिक रिलेशंस या पीआर के अनेक सिनोनिम्स हैं, जैसे परसेप्शन मैनेजमेंट, इमेज या रेपुटेशन मैनेजमेंट, स्पिन डॉक्ट्रिन, प्रेस रिलेशंस, प्रेस रिलीज, मीडिया मैनिपुलेशन, पब्लिक इमेज, पब्लिसिटी, सेल्फ प्रमोशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मेरे हिसाब से, यानी कि जो मैं सोचता हूं, आई लव यू या लव यू कहना भी पब्लिक रिलेशंस का एक बेहतरीन सिनोनिम है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ एक सवाल भी आपके जहन में जरूर आया होगा कि वो कैसे। कृपया आप मुस्कुराते रहें जब तक मैं आपको स्वयं की पीआर की नई परिभाषा प्यार ही पीआर समझाता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पीआर को प्यार या लव कैसे कहें और आई लव यू या लव यू किसी से कहना भी पब्लिक रिलेशंस कैसे हो सकता है, जानिए डॉक्टर सुरेश गौड़ पीआर गुरु यानी प्यार गुरु से। प्यार, मोहब्बत, लव, और मैं तुमसे प्यार करता हूं या आई लव यू या सिर्फ लव यू कहना ज्यादा गंभीर यानी सीरियस कमिटमेंट वाले शब्द हैं। सीरियस कमिटमेंट, याद रखिएगा। प्यार या लव की खास विशेषताएं हैं अफेक्शन, अप्रिसिएशन, केयर, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, डिजायर, इमोशंस, ऑनेस्टी, इमेजिनेशन, काइंडनेस, लॉयल्टी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नीड, पैशन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड ट्रूथफुलनेस। दोस्तों, पीआर के लिए प्यार की इन सभी विशेषताओं को एक विशेष रणनीति यानी के स्ट्रेटजी के साथ उपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी अंदरूनी यानी के इंटरनल और बाहरी यानी के एक्सटर्नल पब्लिक्स के साथ एक सही इमेज और मजबूत संबंध बनाने में मदद मिलती है। दोस्तों, तीन शब्द या सात अक्षर आई लव यू जिंदगी के साथ साथ पीआर के भी सार हैं। प्यार और पीआर दोनों ही में विन विन सिचुएशंस होनी बहुत जरूरी है, तभी आप एक सफल होते हैं। याद रखिए कि सही पीआर नकली या फर्जी नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता, पीआर सत्य होता है। या ये किसी भी व्यक्ति या संस्था, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को उनके रिस्पेक्टिव पब्लिक्स के लिए बेहतर तरह से प्रस्तुत करता है ताकि दोनों ही इसका लाभ उठा सके। संस्था को बेहतर ब्रांडिंग मिलती है, विजिबिलिटी मिलती है, उसकी सेल्स बढ़ती है और उसके द्वारा उसको लाभ होता है, और टारगेट पब्लिक को इसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस या संस्था की असिस्टेंस, उपलब्धता या गुणवत्ता के प्रति जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आई लव यू या लव यू कहना मतलब दूसरों की राय का ख्याल रखना, किसी से नफरत नहीं करना, सबके प्रति वफादार रहना, सबके साथ हर हालात में शिष्टता का व्यवहार करना, और पीआर सबसे जरूरी है टू बी गिवर। दोस्तों, पीआर में सबसे जरूरी है टू बी अ गिवर, यानी किसी के लिए कुछ करने की भावना रखना, तमन्ना रखना,
कभी किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करके तो देखिए, प्यार अपने आप हो जाएगा। जिंदगी में अगर आपको किसी से सच्चा प्यार होता है या आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे और पीआर में भी धोखा नहीं करते हैं। और पीआर पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया जाता है, इसलिए पीआर की मेरी नई परिभाषा है, प्यार ही पीआर और पीआर ही प्यार है। सबसे प्यार कीजिए, पीआर अपने आप हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।